Good morning, students. Today we start chapter number 5, Air Around Us. We have learned in chapter number 9 that all living things require air. But have you ever seen air? You might not have seen air, but surely you must have felt its presence in so many ways. तो यहाँ पे बताया गया है कि हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको एयर की रिक्वायरमेंट होती है और एयर है उसको हम देख नहीं सकते बट उसको हम फील कर सकते हैं. यू noticed इट when द leaves ऑफ द ट्रीज rustle और द clothes हैंगिंग ऑन क्लोथ लाइन sway. Pages of an open book begin fluttering when the fan is switched on. तो यहाँ पे air कैसे blow करती है, कैसे हमें पता चलता है कि जब भी trees के जो leaves होते हैं वो rustle करते हैं. That means कि उसमें से जब भी पवन की आवाज़ होती है तो जो trees के leaves होते हैं उसमें भी आवाज़ होती है, जैसे सर सर आवाज़ होती है ना पत्तों की, वैसे ही. फिर उसके बाद जो बुक के पेजेस होते हैं, अगर हम फैन के नीचे बुक रखें तो उसके पेजेस होते हैं वो फ्लटरिंग करते हैं. फ्लटरिंग मीन्स जब भी हम बिल्कुल फास्टली एयर ब्लो करती है तो वो टाइम पे फैन की आवाज़ से क्या होता है, पेज है वो हिलते हैं, तो उसकी आवाज़ को बोला गया है फ्लटरिंग. द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट्स. डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर नंबर 5 इन विच यू सेपरेट द सैंड एंड सॉडस्ट बाय विनोइंग. टू मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन. यहाँ पे हमने दूसरे चैप्टर नंबर 5 में देखा था कि सॉडस्ट को हम विनोइंग मेथड से रिमूव करते हैं. तो विनोइंग मेथड में क्या होता था, जो एयर होती है उसके साथ जो पार्टिकल्स होते हैं सॉडस्ट के वो रिमूव होके दूर चले जाते हैं. इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल भी है कि जब भी हम काइट फ्लाई करते हैं तो काइट फ्लाई कैसे होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर. विनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर. यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म द विंड ब्लोस एट वेरी हाई स्पीड. इट मे इवन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स. तो यहाँ पे जब भी साइक्लोन आया था, अगर आपको पता हो कि जब भी साइक्लोन आता है तो वो टाइम पे जो एयर की स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, फास्ट एयर ब्लो करती है, तो वो टाइम पे ट्रीज के जो रूट्स होते हैं वो भी पूरे निकल आते हैं और पूरा ट्री होता है वो भी हवा में चला जाता है. सिमिलरली जो हमारे घर होते हैं उसमें रूफ टॉप्स होते हैं उसमें भी ऊपर का जो एरिया होता है बहुत बार उसकी वो भी हवा के साथ ब्लो होके दूर चले जाते हैं. Have you ever played with a फिरकी? यहाँ पे हम जब भी छोटे थे तो हम बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से फिरकी बना के उसके साथ खेला हुआ. ये different types of फिरकी है, इसको हम घर पे भी बना सकते हैं. इसमें क्या होता है, जब भी ये लेके हम इसको दौड़ते हैं भागते हैं तो वो टाइम क्या होता है, एयर की वजह से ये फिरकी है वो गोल गोल मूव करती है. तो ये इसमें भी क्या हमें पता चलेगा, इसमें भी हमको जो एयर है उसकी प्रेजेंस पता चलेगी. तो उसके लिए यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1 इज गिवन. लेट अस मेक अ फिरकी ऑफ योर ओन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन शोन इन द फिगर नंबर 15.2. तो यहाँ पे हम फिरकी अपने आप भी बना सकते हैं. यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है मेकिंग द सिंपल फिरकी. क्या करेंगे हम, एक स्क्वायर पेज लेंगे, उसमें इस तरीके से डायगोनल्स ड्रॉ करके उसको कट कर देंगे. डायगोनल्स के वहां से कट कर देंगे, पूरा कट नहीं करना है याद रखना, बीच में थोड़ा पोर्शन बाकी रखना है. फिर यहाँ पे एक एक पोर्शन, एक एक एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे और उसको अटैच करेंगे सेंटर के साथ, ठीक है. फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और यहाँ से ये वाला पोर्शन, तो इसको हम सेंटर से अटैच करेंगे तो आपकी इस तरीके से फिरकी बन जाएगी. होल्ड द स्टेक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया. मूव इट अ लिटल बैक एंड फोर्थ. Observe what happens. Does the firki rotate? What makes a firki rotate? Moving air, isn't it? तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो फिरकी है, हमारी फिरकी बन गई, अब उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डिफरेंट डायरेक्शन में ओपन एरिया में मूव करेंगे और उसको हम थोड़ा सा मूव करेंगे बैक एंड फोर्थ. बैक एंड फोर्थ का मीनिंग है आगे और पीछे थोड़ा मूव करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे जो फिरकी है वो रोटेट करेगी, सर्कुलर मोशन में घूमना स्टार्ट कर देगी. तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर.
हैव यू सीन अ वेदर कॉक शो फिगर नंबर 15.3 इट शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट द प्लेस. तो यहाँ पे बहुत सारी जगह पे अगर आपने देखा हो तो इस तरीके से वेदर कॉक भी रहता है. तो वो हमको क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है, विंड की जो डायरेक्शन है वो. जब यहाँ पे अभी वेदर कॉक कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, दैट मीन्स कि एयर कौन सी डायरेक्शन में है, ये वाली डायरेक्शन में. देन सेकेंड पॉइंट इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस. क्लोज योर फिस्ट, व्हाट डू यू हैव इन इट, नथिंग. Try the following activity to find out. तो यहाँ पे क्या बोला है, क्लोज योर फिस्ट, हमको मुट्ठी बंद करनी है और उसमें हमें देखना है कि उसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है. बट जहाँ पर कुछ भी नहीं हो वहाँ पर एयर तो प्रेजेंट रहती ही है. तो यहाँ पे उसके लिए एक्टिविटी नंबर 2 इज गिवन. टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल. इट इज रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड. टर्न इट अपसाइड डाउन. इज समथिंग इनसाइड इट नाउ. तो यहाँ पे क्या बोला है, एक एम्प्टी बॉटल लेनी है हमें. फिर यहाँ पे वो एक्चुअली एम्प्टी है कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको बिल्कुल उल्टा कर देंगे. कैसे, यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया है, फिगर नंबर 15.4 में. अब क्या करना है, नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इन टू द बकेट फिल्ड विथ वाटर एज शोन इन द फिगर नंबर 15.4. Observe the bottle. Does water enter the bottle? Now tilt the bottle slightly. Does the water now enter the bottle? Do you see bubbles coming out of the bottle or hear any bubbly sound? Can you now guess what was in the bottle? तो यहाँ पे बोला गया है सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बकेट लेंगे. बकेट में जो एम्प्टी बॉटल है उसको हम यहाँ पे सीधा डालेंगे, जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है, बिल्कुल सीधा डालेंगे. तो उस टाइम आपको देखना है, ऑब्जर्वेशन नोट करना है कि क्या उस टाइम आपको कुछ बबली साउंड सुनाई दे रहा है. फिर सेकेंड टाइम क्या करेंगे, वही बॉटल को थोड़ा टिल्ट करेंगे. दैट मीन्स कि अंदर बकेट में तो डालेंगे बट थोड़ा उसको टिल्ट करके, क्रॉस करके डालेंगे. तो उससे क्या होगा, उससे यहाँ पे जो बॉटल में एयर है उसको बाहर निकलने की स्पेस मिल जाएगी. तो उससे क्या होगा, एयर की प्रेजेंस हमें कैसे पता चलेगी, वो बबल्स के फॉर्म में बाहर आएंगी, वॉटर में से बबल्स के फॉर्म में वो एयर बाहर आएगी, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है. यस, यू आर राइट, इट इज एयर दैट वॉज प्रेजेंट इनसाइड द बॉटल. द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल. इन फैक्ट इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली विथ एयर इवन वैन यू टर्न इट अपसाइड डाउन. दैट इज वाई यू नोटिस दैट वॉटर डज नॉट एंटर द बॉटल वैन इट इज पुश्ड इन एन इनवर्टेड पोजिशन एज देर वॉज नो स्पेस फॉर एयर टू एस्केप. When the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubbles and water filled up the empty space that air has occupied. तो यहाँ पे ये पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि जो हमने दो बार किया, सबसे पहले तो बॉटल को एकदम सीधा डाला, फिर सेकंड टाइम हमने बॉटल को थोड़ा टिल्ट करके डाला. तो एकदम सीधा डाला तो उस केस में क्या हुआ, बॉटल में जो एयर थी उसको एस्केप होने की स्पेस नहीं मिली, उसको एयर को बाहर आने की स्पेस नहीं मिली. दैट इज वाई यहाँ पे ये बॉटल में पानी फिल नहीं हुआ. जबकि हमने बॉटल को थोड़ा टिल्ट करके डाला तो उस टाइम क्या हुआ, बॉटल में जो एयर थी वो उसको बाहर निकलने की स्पेस मिली और उसके अगेंस्ट में जो बकेट का पानी था वो बॉटल में फिल होना स्टार्ट हो गया. दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल. इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस. एयर हैज नो कलर एंड वन कैन सी थ्रू इट. इट इज ट्रांसपेरेंट. तो यहाँ पे एयर की प्रॉपर्टी बताई गई है. एयर की प्रॉपर्टी क्या होगी, एयर हैज नो कलर एंड वन कैन सी थ्रू इट बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट. और उसके साथ साथ एयर क्या करती है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. तो दिस ऑल आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ एयर.
This layer extend up to many kilometers above the surface of the earth and is called atmosphere. तो यहाँ पे आपको एटमोसफेयर की डेफिनेशन दी गई है, वो आपको अंडरलाइन करनी है कि जो हमारा लेयर है अर्थ के सराउंडिंग में लेयर है वो एयर से कवर्ड है और ये एक्सटेंड होता है अप टू दी मैनी किलोमीटर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और उसको बोला जाता है एटमोसफियर. एज वी मूव हायर इन द एटमोसफियर द एयर गेट्स रेयर. तो दैट मीन्स कि जब भी हम ऊपर जाते हैं एटमोसफियर में ऊपर चले जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जो माउंटेनियर होते हैं जो माउंटेन क्लाइंब करते हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेके जाने की जरूरत रहती है. व्हाई? बिकॉज जैसे जैसे हम ऊपर चले जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेयर में एयर है वो कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी. तो इसके लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ कैन यू थिंक माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विथ देम व्हाइल क्लाइंबिंग हायर माउंटेन्स एज शोन इन द फिगर नंबर 15.5. तो इसी वजह से जो माउंटेनियर्स होते हैं जब भी माउंटेन क्लाइंब करते हैं तो वो टाइम वो क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखते हैं. बिकॉज ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ऐसे ही एयर में जो ऑक्सीजन है वो कम होता जाएगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ. अब हमको ये जानना है कि एयर है वो किससे बनती है और व्हाट आर द की इंग्रेडिएंट्स और वी कैन से व्हाट आर द मेन फैक्टर्स और सब्सटेंसेस विच आर इन्वॉल्व इन मेड अप ऑफ एयर. तो यहाँ पे उसके लिए क्या बताया गया है, अंटिल द 18th सेंचुरी पीपल थॉट दैट एयर वॉज जस्ट वन सब्सटेंस. तो यहाँ पे बताया गया है कि 18th सेंचुरी तक सब लोग क्या सोच रहे थे कि एयर एक सब्सटेंस ही है, बट एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड दैट इट इज रियली नॉट सो. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इट इज, लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस मिक्सचर वन बाय वन. तो यहाँ से हमको पता चला कि एयर क्या है. एयर इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. एयर क्या है, मिक्सचर है बहुत ही सारे गैसेस का. तो कौन कौन से गैसेस हैं हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. तो उसमें से फर्स्ट वन है वाटर वेपर. वी हैव लर्नड अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर. वी ऑल्सो सॉ दैट वेन एयर कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ अ कूल सरफेस इट कंडेंस एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द कोल्ड सर्फेसेस. The presence of water vapor in air is important for the water cycle in nature. तो यहाँ पे बोला गया है कि हमने आगे के क्लास में आगे के चैप्टर में भी देखा कि जब भी कंडेंसेशन प्रोसेस होती है तो उसमें से क्या होता है, वाटर वेपर में से वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं. तो जब भी कोई कूल सरफेस एरिया होता है, जब भी हम फ्रीज में से कोई चीज़ बाहर निकालते हैं, जैसे कि पानी की बोतल है, तो फ्रीज में से पानी की बोतल बाहर निकालेंगे और उसको बाहर रखेंगे तो थोड़े टाइम के बाद वो वाटर के बाहर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हमको देखने को मिलते हैं. राइट? तो क्यों ऐसा होता है, बिकॉज जो वो बॉटल हमने बाहर रखी उसके आसपास के एरिया में जो वाटर वेपर थी वो क्या हुआ, उसका कंडेंसेशन हुआ और वो वेपर्स कन्वर्ट होके उसमें से बन गए वाटर ड्रॉपलेट्स. देन नेक्स्ट गैस इज ऑक्सीजन. सो फॉर दिस हियर एक्टिविटी नंबर 3 इज गिवन. इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स टू स्मॉल कैंडल्स ऑफ सेम लेंथ ऑन अ टेबल. Light both the candles, cover one of candle with an inverted glass tumbler. Observe both the candles carefully. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो सेम साइज की कैंडल्स रहेंगे, उसमें से हम कैंडल्स को ब्लो करेंगे और उसके बाद एक कैंडल को हम इसी तरीके से ग्लास से हम कवर कर देंगे. ठीक है, फिर हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है. Do both the candles continue to burn or go off? तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि क्या दोनों कैंडल्स कंटिन्यू ब्लो करती हैं या कोई एक कैंडल बुझ जाती है. You must have observed that the candle covered with glass tumbler got extinguished after some time, whereas the other candle continued burning. तो यहाँ पे बताया गया है कि हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक कैंडल के जिसमें हमने ग्लास रखा था इन्वर्टेड पोजीशन में वो थोड़े टाइम के बाद बुझ जाएगी. एक्सटिंग्विश मीन्स की बुझ जाएगी.
क्यों? बिकॉज वहाँ पे ग्लास बंद करके रख दिया, उसके ऊपर ग्लास रखा, तो उसका जो ऑक्सीजन था वो एरिया में वो खत्म हो गया, तो दैट इज वाई वो क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद बुझ जाएगी. वॉट कैन बी द रीजन फॉर दिस, थिंक अबाउट इट. तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ वो हमें सोचना है. तो मैंने ऑलरेडी आपको आंसर बता दिया, बिकॉज वो ग्लास के अंदर के जो एरिया था उसमें ऑक्सीजन था वो बंद हो गया, एयर सर्कुलेशन, एयर सप्लाई बंद हो गया, दैट इज वाई वो थोड़े टाइम के बाद बुझ जाएगी. इट सीम्स दैट द कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज द कंपोनेंट इनसाइड द ग्लास टम्बलर विथ सपोर्ट बर्निंग इज लिमिटेड. Most of the component is used up by the burning candles. However, the other candle is getting continuous supply of air. This component of air which support burning is known as oxygen. यहाँ पे सेम रीजन बताया है जो मैंने आपको बोला कि जो ग्लास में कैंडल थी जिसके ऊपर हमने ग्लास रख दिया था, वो कैंडल के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई था वो बंद हो गया, इसलिए वो बुझ गई. जबकि जो ओपन एरिया में कैंडल रखी थी उसको कंटिन्यूअसली एयर के थ्रू ऑक्सीजन मिल रहा है, तभी भी वो ब्लो कर रही है. तो यहाँ से क्या पता चला कि द कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट बर्निंग इज नोन एज अ ऑक्सीजन. Next is nitrogen. In activity number 3, did you observe that air is still present in the glass bottle even after the candle blew out? This indicates the presence of some component in the air which does not support burning. The major part of air which does not support burning candle is nitrogen. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमने एक्टिविटी नंबर 3 देखी उसमें एयर क्या प्रेजेंट थी, जो ग्लास बॉटल है उसमें जो कैंडल थी वो ब्लो आउट हो गई, उसके बाद भी क्या हमको उसमें कुछ पता चला. तो ये हमको क्या बोल रहा है कि दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग. द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग इज नाइट्रोजन. तो यहाँ पे सिमिलर तरीके से ही बताया गया है कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी क्या हुआ, कैंडल थी वो बुझ गई, सिमिलरली यहाँ पे नाइट्रोजन के एब्सेंस में भी क्या होगा, जो कैंडल है वो बुझ जाएगी. देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड. इन अ क्लोज्ड रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन. This is due to excess of carbon dioxide that may be accumulating in the room. As the burning continues, carbon dioxide makes up a small component of the air around us. Plants and animals consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. Plant and animal matter also consume oxygen on burning and produce mainly carbon dioxide and a few other gases. It is advisable not to burn dry leaves and discarded remains of the crop which pollute our surrounding. तो यहाँ पे बोला गया है कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, तो जो प्रोसेस होती है रेस्पायरेशन की ह्यूमन बींग्स में, उसमें क्या होता है, हम रेस्पायरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, और उसके ऑपोजिट में हम प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. सिमिलरली प्लांट्स एंड एनिमल्स मेटल होती है, उसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन कंज्यूम होता है. जब भी उसको हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, उस टाइम ऑक्सीजन कंज्यूम होता है और उसके ऑपोजिट में कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होता है. तो उसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया है कि जो क्लोज रूम होता है, इन अ क्लोज रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन. तो इसकी वजह भी क्या होगी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अगर आपने कहीं पे सुना हो या कभी फील किया हो, तो क्या होता है कि जब भी कहीं पे आग लगती है और कोई क्लोज रूम होता है वहां पे आग लगती है, तो वो टाइम क्या होता है, अगर कोई पर्सन अंदर होता है तो उसको सफोकेशन फील होता है. वाई? बिकॉज बर्निंग की प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है. Next is dust and smoke. The burning of fuel also produces smoke. Smoke contains a few gases and fine dust particles and
इज ऑफन हार्मफुल। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब भी हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे स्मोक, स्मोक मीन्स की धुआं, धुआं प्रोड्यूस होता है। स्मोक में क्या होता है, इट कंटेन्स फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड इज ऑफन हार्मफुल। तो स्मोक क्या है, स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल, और स्मोक है वो भी बहुत ही हार्मफुल होता है। दैट इज वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन अ फैक्ट्रीज। This takes the harmful smoke and gases away from our nose, but bring it closer to the birds flying up in the sky. तो आपने देखा हो तो फैक्ट्रीज में जो चिमनीज होती हैं वो बहुत ही लंबी होती है, हाइट पे रखते हैं। Why? Because ये जो हार्मफुल स्मोक है वो डायरेक्ट ऊपर ही एनवायरमेंट में चला जाए, वो हमारे कांटेक्ट में ज्यादा ना आए, जिससे भी उसकी हार्मफुल इफेक्ट हमारे पर नहीं हो। बट उसकी वजह से क्या होता है, वो हमारे कॉन्टेक्ट में तो ज्यादा नहीं आता है, बट जो बर्ड्स होते हैं जो ऊपर रहते हैं उसके कॉन्टेक्ट में आता है। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। तो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी एयर में प्रेजेंट ही रहते हैं, वो भले हमको दिखाई नहीं देते, वी कांट सी इट विद द नेकेड आई, बट दैट डजंट मीन कि देर आर नो डस्ट पार्टिकल इन द एनवायरमेंट। चाहे कितना भी बंद रूम हो, कितना भी क्लीन रूम हो, बट उसमें भी डस्ट पार्टिकल्स तो प्रेजेंट होंगे।